तबसरा करें, जो कि है कि जो यंग लोग आजकल हैं, वी आर ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट हार्ट अटैक इन अ यंग एट अ यंग एज. हालांकि कॉन्सेप्ट ये है जनरली लोगों का कि जब तक अनलेस यू आर 40+ 50+ तब तक यू नीड नॉट टू वरी. सो ये भी इज इट अ मिसकंसेप्शन, ये भी थोड़ा आप क्लियर कीजिएगा. और जनरली भी इफ यू कैन प्रोवाइड अस विद टिप्स अराउंड हार्ट एंड हार्ट डिजीज टू प्रिवेंट इट. हार्ट के प्रॉब्लम के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज है यही कि जब आप सेहत की हालत में हैं, क्योंकि मैं भी हैरान होता हूँ मुझसे जो लोग कनेक्ट होते हैं रिगार्डिंग हेल्थ अवेयरनेस, या वो कोई ना कोई जब झटका लग चुका होता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जिनको अब तक कोई मर्ज नहीं हुआ है। क्योंकि हार्ट का मर्ज ऐसा है दिल का कि ये एक दिन पहले आप बिल्कुल ठीक हैं और अगले दिन आप पे धब्बा के आपको हार्ट अटैक हो चुका है, दरमियान में कुछ नहीं होता। तो वो जज कैसे करना होता है कि आपको ये चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सके, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होता है। और रिस्क फैक्टर्स का जज करना कोई मुश्किल काम नहीं, 5-6 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो जो यंग हार्ट अटैक की बात है वो भी इसी में आ जाएगी। और इसकी अवेयरनेस इवन चाइल्डहुड या एडल्टहुड से आपको एक प्राइम करना होता है बच्चे को कि उसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी हो, उसकी डाइट हेल्दी हो जाए, यानी उसको एहसास दिलाना है कि हेल्दी डाइट क्या है और अनहेल्दी डाइट क्या है। और वो क्या होता है, वो पीरियड होता है इंसान के हैबिट्स के डेवलपमेंट का। अब आपने एक बच्चे को पैदा होते ही कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और पता नहीं क्या क्या, दुनिया की हर वो चीज दी है जो अनहेल्दी डाइट है, और उससे आप सोचें कि 20-21 साल में ना उसके पास मोटापा आए, वो वर्जिश कर रहा हो बिल्कुल ठीक ठाक, और उसपे सोने पे सा स्मोकिंग शुरू हो जाती है हमारे यहाँ, और आजकल टीनेजर्स में बहुत ज्यादा स्मोकिंग होती है। तो ये वो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उस दौर के, जब अभी आपको ब्लड प्रेशर शुगर नहीं आ रहा। अभी क्या हो रहा है कि आप अपने टीन एजेस में हैबिट्स ऐसी डेवलप कर रहे हैं कि जब आप वो टीन एज क्रॉस करेंगे 20, 25, 30, जब आपको अब इस बात पे तवज्जो देनी होती है कि आपकी बॉडी हैबिटस में ओबेसिटी ना आने पाए, उस एडल्टहुड में आप जो भी खा रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रेट इतना फास्ट होता है कि बहुत रेयर कोई, यानी जो जिनके जीन्स में या फैमिली में ओबेसिटी होती है उन बच्चों में तो ओबेसिटी आ जाती है उसमें भी, उस वक्त पे भी, वरना अमूमन 70-80% लोग जिस भी किस्म की लाइफस्टाइल गुजार रहे हो उनमें ओबेसिटी नहीं आती। लेकिन हैबिट्स ऐसी डेवलप हो चुकी होती हैं कि जैसे ही वो फास्ट मेटाबॉलिक रेट वाले पीरियड को क्रॉस करेंगे, यानी 25-30 साल की उम्र में आएंगे, और आते साथ ही उनकी एब्डोमिनल ओबेसिटी सबसे पहले आनी शुरू हो जाएगी जो पेट पे चर्बी कहलाती है। और ये प्रीकर्सर है, एब्डोमिनल ओबेसिटी प्रीकर्सर है न जाने कितने प्रॉब्लम्स का जो दिल के मसाइल लाते हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये एब्डोमिनल ओबेसिटी, साथ के स्मोकिंग हो, आपकी डाइट में फैट और कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा हो, तो लामहाला अगले 3-4 साल में अगर आप प्योर डायबिटिक्स ना भी बने, एटलीस्ट प्री डायबिटिक तो हो ही जाते हैं। और यही कुछ हमारी पॉपुलेशन के साथ हो रहा है कि बचपन उनका अब खेल कूद खत्म हो चुका है, कमरों में बैठ के बस डिवाइसेस, गेम्स, ये वो, खाना पीना कुछ हेल्दी नहीं है, हर चीज अनहेल्दी। और उस वक्त के उन मामलात के कसूरवार उनके वालदैन, वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों पे भी इस तरह की तवज्जो नहीं है कि उनकी चाइल्डहुड से ही हैबिट्स डेवलप करें फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट की। ये वो पीरियड है, फिर 20-22 साल का हुआ तो इंसान को खुद शऊर होना चाहिए। अब तो वो शऊर की सतह पे है कि वो अपना एक मंथली ऑडिट वेस्ट सर्कमफ्रेंस का करे आदमी कि भाई मेरी वेस्ट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। और आज अब देखते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि मैं 25-25-30 साल के लड़कों को देखता हूँ और वो जब आके बैठते हैं तो वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ी हुई है और एब्डोमिनल ओबेसिटी वाजे नजर आ रही होती है, जो पहले कभी 35 साल 40 साल में होती थी, वो वाला बॉडी हैबिटस आजकल आपको 25-30 साल में ही नजर आना शुरू हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है
और डाइट अनमॉनिटर्ड और कैलोरी काउंट बहुत ज्यादा और फिक्र ही नहीं है, और उनसे कहो कि भाई अपना ख्याल करना शुरू करो, तुम तो अभी यंग हो, तो कहते हैं टाइम टाइम ही नहीं मिलता है। दुनिया की हर चीज के लिए टाइम है, अपने अपनी जात के लिए टाइम नहीं। और मैं हैरान होता हूँ कि आपकी हेल्दी लाइफ नहीं है, आप पैसे कमा लें, बड़ा रुतबा ले लें, बहुत बड़े कुछ वो भी बन जाएं, और आपके पास हेल्थ नहीं हो, तो सब कुछ जीरो हो जाता है। तो बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है, इंसान ने हमने हेल्दी लिविंग को एक ऑप्शन समझा हुआ है, और वो भी कब, जब मर्ज आ जाएगा तब मैं सोचूंगा कि लिविंग हेल्दी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब हेल्थ की हालत में हैं, अल्लाह ने आपको एक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनाया है, आपकी एक एक चीज के लिए खुदा ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसको उसके मुताबिक चलना चाहिए, और आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे कुछ भी, और साथ फिर स्मोकिंग भी उसमें एड ऑन कर लें, डाइट पैटर्न, स्लीप पैटर्न को एड ऑन कर लें, तो हर वो चीज का मरगूबा हमने बना दिया है जो हमें बीमारियों, और खास तौर पे दिल की बीमारी, क्योंकि दिल की बीमारी प्योर डिपेंडेंट है आपके लाइफस्टाइल डाइट पर। उसके जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उनका कंट्रोल लाइफस्टाइल और डाइट पे मुनासिब है, और खुद दिल की बीमारी। अब बहुत से ऐसे लोग हैं उसमें जितना भी वो परहेज कर लें, उनकी फैमिली और बाकी फीचर्स की वजह से उनमें शुगर आ सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है। कुछ तो वो हैं जो खुद बुला के लाते हैं, उसने आना 45 या 50 साल में है, तो अपनी हरकतों से हम उसको 30-35 साल में अपने पास ले आते हैं। नहीं, ब्लड प्रेशर और शुगर के ये ऐसे अमराज हैं जो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, डाइट अच्छी हो, तो आपकी जीन्स में ये चीज डेवलपमेंट होना होनी भी है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और ये उसमें आप चीजों को मॉड्यूलेट कर लेंगे, तो ये चीज आने में बहुत देर लगेगी। अब जाहिर सी बात है, आप उन चीजों पे तवज्जो नहीं देते तो शुगर भी जल्दी आ जाती है, ब्लड प्रेशर भी जल्दी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी जल्दी आ जाता है। अच्छा, अब इन तीनों चीजों का कंट्रोल भी इस पर मुनहसर है कि आप डाइट और एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपने बिल्कुल जो बुनियाद थी वो भी खराब की हुई है, और फिर उस बुनियाद पे अगली चीजें वो भी खराब चल रही हैं, और किसी चीज का कुछ कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल कब याद आता है? जब इवेंट हो जाता है। अब आप 35-40 साल में हार्ट अटैक आपको हो गया, अब आप कितना बचेंगे, कितना बचाएंगे अपने आप को, और मेन प्रोडक्टिव लाइफ है ये आप, तो फिर आप क्या, तो उससे पहले क्यों नहीं तवज्जो देते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझाना कि क्यों। और अब आप भी बता रही हैं और हम भी देखते हैं, दिल के अस्पतालों में मेजर चंक जो है वो 35 से 45 साल, ये यानी बहुत बड़ी परसेंटेज है जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, एंजाइना हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी हो रहा है, मोटापा भी है, सिगरेट भी पी रहे हैं ये लोग। अब आप खुद सोचिए कि अगले 3-4-5 सालों में, और फिर जो हमारा बच्चों का और लाइफस्टाइल चल रहा है और पीछे आता जाएगा। तो ये बिल्कुल वो सारे मामलात हैं जिन पे आम लोगों को पहले तो एजुकेट करना है, एजुकेट करके फिर उनको कंपेल करना है कम्युनिटी में जाके, खुद रोल मॉडल डॉक्टर बने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बने, लोगों को इसमें एंगेज करें। और यकीन मानिए, जिन लोगों को इसकी फिर आदत, एक बार आप वो नशा लगा देना एक्सरसाइज का, फिर बिल्कुल वो आदमी बिल्कुल एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह सकता, तो वो एग्री एफर्ट करनी एग्री होगी कि कम्युनिटी में इसको किस तरह प्रोपेगेट करना है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और फिनोमिना जो हम देख रहे हैं, जो mid 20s और mid 30s में हाई ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वो होता है आजकल, हुआ ये हमारे अपने कलीग्स में, ऐसे बच्चा ही कहूंगी मैं उनको, 20s 21 22 years ऑफ एज के दे वेंट फॉर वैक्सीनेशन कोविड के लिए, उनका ब्लड प्रेशर जब चेक किया गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर था अच्छा खासा, एंड दे हैड नो सिम्टम्स। तो इसकी भी कोई रीजन हो सकता है कि जो, और कितना डैमेजिंग है ये कि आपको पता नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर ऑन द हायर साइड है? देखिए, ये अगेन वही पार्ट है कि वो जो क्लस्टर होता है ना ओबेसिटी का, ये साथ साथ ब्लड प्रेशर भी लाता है, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, ये एक, इसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं कि कॉम्बिनेशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स कहलाता है। तो
तो जब आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज पे उस भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो ये तमाम चीजें जैसे मैंने जिक्र किया, ये वक्त से पहले आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा एलिमेंट भी होता है, कभी कभार स्ट्रेस में और ऐसे एनवायरनमेंट में जो आपका रूटीन एनवायरनमेंट नहीं है, वक्ती ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसे वैक्सीन कोई लगाने गया है तो उस रश में हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो हाइपरटेंसिव है, बाद में उसको अपने नॉर्मल हालात के ब्लड प्रेशर चेक करके देखना होगा। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि लोगों के ब्लड प्रेशर जो हम अमूमन 45 साल की उम्र या 40 साल की उम्र के बाद देखते थे, अब वो 30 वाली कैटेगरी के लोगों में आने शुरू हो गए ब्लड प्रेशर। हमें दवा भी देनी पड़ रही है, और ये वो वाला एसेंशियल ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर जिसके पीछे कोई वजह नहीं होगी। अमूमन ये 40 साल के बाद आता है, लेकिन अब ये जल्दी आना शुरू हो गया। वजह वही है, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, और पता ना लगने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो आहिस्ते 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 आपके हर मेजर ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां भी खून की नाली मौजूद है, चाहे वो स्मॉल वेजल है या बड़ी वेजल है, बड़ी वेजल को अगर हम ले लें तो एकदम से शूट करके ये फालिज ले आता है, दिल का दौरा ले आता है, पैरों की तरफ जाने वाली नाली, वो नालियों को मुतासर करके आपके पैरों में कटने की, और उस बहुत सारी